हैदराबाद भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है, जो दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है किसी समय में इस खूबसूरत शहर को कुतुब शाही परंपरा के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार स्वरूप भेंट किया था। हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में हैदराबाद में घूमने के 10 बेहतरीन जगह के बारे में। नंबर 10, चौमोहल्ला महल। चौमोहल्ला शब्द उर्दू के दो शब्दों को जोड़कर बना है, जिसका अर्थ है चार महल। इस महल का निर्माण सदियों पहले 1750 में शुरू किया गया था और ये आसफ जही राजवंश और हैदराबाद के निजाम की राजगद्दी हुआ करता था। इस महल के पानी के फवारे, हरे भरे बाग बगीचे, रोशन बंगला, घंटाघर और काउंसिल हॉल इसको काफ़ी अच्छे से सुशोभित करते हैं। शुरुआत में 45 एकड़ में फैला महल अब सिर्फ 12 एकड़ में सीमित रह गया है। नंबर 9, ताज फलकनुमा महल। नवाब विकर उल उम्र द्वारा 19वीं सदी के अंत में फलकनुमा महल बनवाया गया था, जो कि 2000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस महल की भव्यता के कारण इसे आकाश का आईना भी कहकर बुलाया जाता है। इस महल के अंदर करीब 220 कमरे हैं और 22 हॉल हैं, जिनकी सजावट बहुत ही शालीनता पूर्वक की गई है। इस महल की छतों पर लटकते हुए अति आकर्षक झूमर आपका मन मोह लेंगे। नंबर 8, नेहरू चिड़ियाघर। हैदराबाद का नेहरू चिड़ियाघर 1963 में स्थापित किया गया था और यह आंध्र प्रदेश के वन विभाग द्वारा संचालित है। 380 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला ये चिड़ियाघर एक मशहूर पिकनिक स्पॉट है। लगभग 1500 प्रजाति के पशु पक्षी वाला ये चिड़ियाघर देश के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ का म्यूजियम देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। नंबर 7, गोलकोंडा किला। हैदराबाद का गोलकोंडा किला वास्तुकला और इंजीनियरिंग की अद्वितीय मिसाल है। गोलकोंडा दो तेलुगु शब्द गोल और कोंडा से बना है। इसका अर्थ है चरवाहे की पहाड़ी। इस किले में रात को लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस किले से जुड़े रोचक और जरूरी तथ्यों को दर्शकों को बताया जाता है। इस किले में कुछ ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां से 1 किलोमीटर दूर की आवाज़ भी साफ सुनाई पड़ती है। नंबर 6, सलारगंज संग्रहालय। मूसी नदी के तट पर सलारगंज संग्रहालय स्थित है, जहां लाखों कला की वस्तु, पांडुलिपियाँ और लाखों किताबें संग्रहित हैं। इस संग्रहालय में 38 गलियारे हैं। यहाँ की वस्तुओं को मीर यूसुफ अली खान और नवाब तुराब अली खान द्वारा इकट्ठा किया गया था। इस म्यूजियम का उद्घाटन भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क, इससे आपको वीडियो मिल सकेंगे हमारे सबसे पहले। नंबर 5, बालाजी मंदिर। हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे और प्यारे गाँव चिलकुर में मौजूद है बालाजी मंदिर, जो एक मशहूर धार्मिक स्थल है। ये मंदिर उस्मान सागर झील के किनारे बना हुआ है और इसका निर्माण करीब 500 साल पहले किया गया था। ये मंदिर अमेरिका जाने वालों की चाह रखने वाले लोगों में खासा लोकप्रिय है, क्योंकि कहते हैं जिनका वीजा ठुकराया जाता है उनके यहाँ आने के बाद आवेदन कबूल हो जाते हैं, जिस कारण से इसका नाम वीजा मंदिर भी पड़ गया है। नंबर 4, हुसैन सागर झील। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कही जाने वाली हुसैन सागर झील हैदराबाद की काफ़ी चहल पहल वाली जगह है। इस झील के आसपास घूमने के कई स्थान मौजूद हैं। इस झील के ठीक मध्य में बुद्ध की एक प्रतिमा भी मौजूद है, जो कि एक विराट पत्थर को काटकर बनाई गई है। इस प्रतिमा का उद्घाटन दलाई लामा के कर कमलों द्वारा किया गया था। इस झील को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के दिल खिताब से नवाजा गया है। नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी। 1996 में रामोजी राव द्वारा बनाया गया रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यहाँ पर फिल्म शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों सेट मौजूद हैं, जहाँ जाकर
आप फिल्मी दुनिया को करीब से देख सकते हैं। इस जगह देखने के लिए इतना कुछ है कि मानो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। नंबर 2, बिरला मंदिर। काला पहाड़ नामक पहाड़ी पर बना हुआ बिरला मंदिर 2000 टन के सफ़ेद संगमरमर से तैयार किया गया है, जो खास तौर पर राजस्थान से लाए गए थे। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण की 11 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसके चारों तरफ कमल का फूल बनाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में दक्षिण भारतीय, राजस्थानी और उत्तल कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। नंबर 1, चार मीनार और लाड बाजार। और हैदराबाद की सबसे मशहूर जगह है चार मीनार। इस इमारत का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट के पत्थरों और चूने से किया गया है। चार मीनार का निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। इस स्मारक में नाम अनुसार आकाश को चूमती चार मीनारे हैं, जिनकी ऊंचाई 56 मीटर है। चार मीनार की छत से पूरे हैदराबाद शहर का एक अद्भुत कर देने वाला नज़ारा देखने को मिलता है। चार मीनार के पास ही है लाड बाजार, जो कि लाख की चूड़ियों और कड़ों के लिए खासा जाना जाता है। औरतों में ये बाजार खासा लोकप्रिय है। इन जगहों के अलावा हैदराबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर, उस्मान सागर झील, निजाम संग्रहालय, NTR गार्डन आदि काफ़ी अच्छी जगह हैं। हैदराबाद आकर यहाँ की लजीज बिरयानी भी ज़रूर खाएँ। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।